नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में फर्टिलिटी की कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसको आप आराम से अपनी लाइफस्टाइल में लाकर अपने आप को इनफर्टिलिटी से फर्टिलिटी तक ले जा पाओगे। अब इनफर्टिलिटी को हम कौन सी कैटेगरी कहते हैं? इनफर्टिलिटी को कहते हैं जिनका स्पर्म काउंट पर एमएल 15 मिलियन से कम होता है, हम उन कैटेगरी को एक इनफर्टिलिटी की कैटेगरी समझते हैं, या जिनका स्पर्म काउंट बिल्कुल निल आता है उनको हम इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। अब इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बस आपकी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन की बात करूँगा इसमें, और अपनी सारी टिप्स में आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने के लिए कहूँगा। तो सबसे पहली टिप से स्टार्ट करता हूँ। पहली जो टिप है कि आप अपना सोने का टाइम, मान लीजिए जो आपका नींद का टाइम है, उसको प्रॉपर दीजिए। 8 घंटे की एक नॉर्मल नींद की रिक्वायरमेंट हर एक ह्यूमन बीइंग को होती है। 8 घंटे की नींद आपको लेनी है, और ये याद रखिए अगर आप नींद नहीं लोगे टाइम पे, तो आप इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी की टूवर्ड्स तो बढ़ोगे और इसके साथ आपको दिक्कत आएगी ब्लड प्रेशर की, और बीपी की वजह से आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि हमारे ऑर्गेनिज्म, हमारा जो बॉडी है, वो नींद के मोड में जब जाता है, या मान लीजिए जब हम स्लीप कर रहे होते हैं, तो हमारा एक रेस्टिंग मोड होता है, पूरी बॉडी का होता है, इवन ब्रेन का होता है, आपके हर एक ऑर्गन का, आपके हर ग्लैंड का एक रेस्ट मोड होता है। अगर उसको पूरी रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो आपकी बॉडी को ढंग से काम करने नहीं देगा। इसी वजह से आपका जो स्पर्म काउंट है, नींद की वजह से भी डिस्टर्ब हो जाता है। फिर बात करते हैं सेकेंड टिप के बारे में। सेकेंड टिप है, अगर आपकी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तब आपको बेसिक प्रॉब्लम आएगी स्पर्म काउंट की। वो कैसे आएगी? देखो, फिज़िकल एक्टिविटी एक मेल बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स को रेज करती है, और जब वो हॉर्मोन्स जब आपकी बॉडी में ज़्यादा डेवलप होंगे, आपके टेस्टिस जो हैं जल्द सही से बना पाएंगे आपके उस हॉर्मोन को, वो हॉर्मोन हेल्प करता है आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए। अगर उसने वहाँ पर अपना काम प्रॉपर तरीके से कर लिया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सही काम कर रहा है, सही मात्रा में रिलीज़ हो रहा है, और इसके साथ साथ उसने ढंग से आपके टेस्टिकल्स को प्रॉपर चीज़ प्रोवाइड करवा दी कि वो स्पर्म बना सके, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए फिज़िकल एक्टिविटी हमारी मेन्स बॉडी के अंदर एक स्पर्म काउंट रेज करने का काम कर देती है। अब मैं थर्ड टिप की बात करूँगा, और थर्ड टिप में ये बताऊँगा आपको कि स्ट्रेस एक इतनी हार्मफुल पॉइंट है हर एक के ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो चाहे फीमेल हो चाहे वो मेल हो, दोनों में स्ट्रेस एक बहुत मेजर रोल अपनाती है आपकी बॉडी को डिग्रेड लेवल पे जाने के लिए। डिग्रेड मतलब कि अगर आप एक फीमेल बॉडी में भी हो चाहे आप मेल बॉडी में भी हो, तो आपको स्ट्रेस जल्दी मेनोपॉज ला देगा स्ट्रेस की वजह से, और इसके साथ साथ अगर मेल बॉडी में स्ट्रेस बना रहता है तो मेल बॉडी की फर्टिलिटी को बहुत मेजर दिक्कत पहुँचाता है। वो कैसे पहुँचाता है? स्ट्रेस आपके हॉर्मोन्स को इनबैलेंस कर देगा। जब आपके हॉर्मोन्स इनबैलेंस हो गए, आपके टेस्टोस्टेरोन ढंग से डेवलप नहीं हो रहे, या टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन जल्दी से नहीं सीक्रेट हो रहा, जिसकी वजह से आपके स्पर्म काउंट पे भी असर पड़ेगा। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हॉर्मोन है जो हेल्प करता है आपके स्पर्म काउंट पे, और जब ढंग से वो डेवलप नहीं होगा या वो इनबैलेंस हो गया, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आएगी। और कुछ हमारे पास पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो स्ट्रेस की वजह से उनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है ह्यूमन बीइंग की, वो ईस्ट्रोजन डेवलप बॉडी कर रही है, जिसकी वजह से उनकी अपीयरेंस धीरे धीरे एक फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट कर देती है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपका स्पर्म काउंट कम होगा। तो अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के कुछ चीज़ें मेथड अपनाएं, जैसे कि आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन नहीं कर सकते, पार्क में 1-2 चक्कर काटिए, वॉक करिए, रनिंग करिए, जो मर्जी करना आप करिए, अपने स्ट्रेस को काबू में लाओ और एक अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाओ। फोर्थ टिप, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो ड्रग एडिक्ट हैं या जो अल्कोहलिक हैं, ये टिप उनके लिए
कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है कि आपका दिक्कत क्या आ रही है, आपका स्पर्म काउंट क्यों कम हो रहा है। बट एक स्टडी बताती है स्मोकिंग करने वालों को ईडी की प्रॉब्लम भी बड़ी जल्दी लग जाती है और उनका स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है। उसके पीछे जो मेथड काम करता है वो ये करता है, जब हम स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल पीते हैं, हमारे सेल्स जो हैं वो एकदम से निकोटीन की वजह से या अल्कोहल की वजह से एकदम से चार्ज हो जाते हैं। और जब वो चार्ज होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि एकदम से सेल्स सारे सारे एकदम से हिलेंगे। उसके बाद जब वो रेस्ट मोड पे जाते हैं, जब आपका निकोटीन कम होती है शरीर में से, तो वो जब रेस्ट मोड पे जाते हैं तो इतने ज़्यादा रेस्ट मोड पे चले जाते हैं कि उनसे अपना काम ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो ढंग से डेवलप ही नहीं हो पाता। इसलिए स्मोकिंग अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट को अगर आप हो तो धीरे धीरे करके अपनी स्मोकिंग के लेवल को कम कीजिए, अगर आप ड्रग एडिक्ट हो तो रिहैब ज्वाइन कीजिए, या फिर अगर आप अल्कोहलिक हैं तो अपने अल्कोहल को कम कीजिए, इतना कम कि आपको ये प्रॉब्लम लगे ही ना। आई मीन टू से कि फिज़िकल प्रॉब्लम जैसे कि स्पर्म काउंट कम होना या इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आना, वहाँ तक आप पहुँचे ही ना। मैं फिफ्थ टिप की बात करूँगा, वो ऐसे टिप्स है क्योंकि आप मे बी शायद एंटीबायोटिक ले रहे हों या एंटी एंट्रोजन टैबलेट्स ले रहे हों, जो आपको बेसिकली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो होते हैं वो बेसिकली आपके अंदर के सेल्स को भी मारते हैं। जब एंटीबायोटिक या एंटी एंड्रोजन कोई टैबलेट्स या पिल्स हम खाते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट हमारी फर्टिलिटी पे होता है। वो कैसे होता है, वो उसका काम है, एंटीबायोटिक एंटी एंड्रोजन टैबलेट्स का उनका एक तरीके का काम है कि वो अंदर के जाकर जो अंदर सेल्स बन रहे होते हैं, जिनको डैमेज करना होता है, जिनको मारना होता है, जिनको बॉडी में से निकालना होता है, वो उसके साथ साथ आपके स्पर्म पर भी काम वही सेम करते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक और एंटी एंड्रोजन टैबलेट्स या स्टेरॉइड्स जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे उसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। अगर आपके डॉक्टर ने अगर आपको प्रिस्क्राइब कर रखी है एंटीबायोटिक बड़े टाइम से या कोई ऐसी मेडिसिन जो आप इनटेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप समझ लीजिए अपने डॉक्टर से एक बारी कंसल्ट कीजिए और अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में शेयर कीजिए और उसका राइट सॉल्यूशन दीजिए। अब बात करूँगा सिक्स ट्रिप की। जो ऐसे लोग जो जिम जाते हैं, जिम जाने के साथ साथ वो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगवाते हैं, ये टिप उनके लिए है कि अगर आप आज बॉडी तो बना लोगे, फिज़िक तो अच्छी कर लोगे, इंजेक्शन लगा लोगे, अपनी स्टेमिना से डबल आप वर्कआउट कर लोगे, बट उसका लॉन्ग रन में एक प्रॉब्लम आती है कि आपकी बॉडी खुद से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं डेवलप कर पा रही, और उस ना डेवलपमेंट की वजह से आपकी स्पर्म काउंट को डिक्रीज कर देगा। वो कैसे करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी एक सेल्फ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डेवलप करती है। जब हम इंजेक्टेड लगाते हैं, उसको रूटीन में लेकर आते हैं, या हम बार बार उस इंजेक्शन को यूज़ करते हैं, या एज इन पिल्स में खाते हैं, या हम कोई ऐसे प्रोटीन या गेनर वेनर कुछ ऐसा सच हम लेते हैं या सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उनसे हमको हमारे को हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस कैसे होते हैं कि जब आप उन सब चीज़ों को इनटेक करते हैं, इनटेक करने के बाद आपकी बॉडी खुद के टेस्टोस्टेरोन्स बनाना धीरे धीरे करके कम कर देती है, क्योंकि हमारी बॉडी बनी इस तरीके से है कि अगर हमारी बॉडी में कुछ बाहर से हमको चीज़ें मिलती हैं तो वो अपना काम धीरे धीरे करके कम कर देती है, और जब हमारा अपनी बॉडी ही सेल्फ काम करना कम कर देती है तो हमारी बॉडी ढंग से और रिफ्लेक्ट करती है चीज़ों को लेके, जैसे कि स्पर्म काउंट कम हो जाना, हमारा हार्मोन डेवलप जो होता है, हार्मोन सिस्टम जो होता है वो इनबैलेंस कर देना, हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन को एकदम से बढ़ा देना, जब हमारे खुद की बॉडी टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाएगी, जब हमारी खुद की बॉडी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डेवलप नहीं करेगी तो हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन खुद अपने आप ही राइज हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ जिम जो जाते हैं या जिम में जो हम देखते हैं लोगों को कि उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है कॉज ऑफ एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड या समझ लीजिए एक टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस की वजह से। सेवन टिप है, और सबसे ये तो उन सब पेशेंट्स के लिए है जो इनफर्टिलिटी के साथ जूझ रहे हैं। देखो आप
एक आयुर्वेद भी कहता है, एक आपकी मेडिसिंस भी कहती है, हर जगह के लोग ये मेडिटेशन या योगा सब ये आपको बताएंगे। जैसा आहार वैसा आपका शरीर, मतलब जिस तरीके से आप खाना खाते हैं उसी तरीके से आपका एक शरीर डेवलप करता है। तो अगर आपकी बॉडी में कोई चीज़ कम हो रही है तो आप उस तरीके का खाना खाइए कि जिसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम आ रही है हार्मोन इंबैलेंस की या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम डेवलप हो रहा है उसको रेज करने में। जब वो रेज होगा तो आपके टेस्टिकल्स जो हैं वो अपने आप ही वैसा वर्क करेंगे कि स्पर्म को सही तरीके से सही क्वांटिटी में बना पाएँ। तो आप जानिए इन सब चीज़ों को कि आपको खाना क्या है, आपने अपनी डाइट में जो लेना है वो लेना है जिसमें टेस्टोस्टेरोन्स आपके सही तरीके से मेंटेन रहे। अब जैसे कि कुछ हम कहते हैं कि आप अगर आप मॉर्निंग में एक गिलास अनार का जूस पी लेते हैं वो आपको इतना बेनिफिट देता है कि आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी डाइट में अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो इन सब चीज़ों को इंटेक कर सकते हैं, जैसे कि रेड मीट को। अगर रेड मीट को भी खाना है उसको भी इस तरीके से खाना है कि ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स समझ कर के कीमा फॉर्म में खाना है, क्योंकि कीमा की एब्जॉर्प्शन एज कम्पेयर टू आपके नॉर्मल उस बड़े पीस से जल्दी हो जाती है। जब जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी या ढंग से एब्जॉर्प्शन होगी, आपके इंटेस्टाइन ढंग से उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके स्पर्म काउंट अपने आप ही को रेज कर देगा। इसके साथ साथ अगर आप सोया खाते हैं या सोयाबीन मार्केट में जैसे मिलता है वो खाते हैं तो उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और इसके साथ अगर आप बाहर का चिकन खाना पसंद करते हैं तो उसको भी अवॉइड कीजिए। वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो हम चिकन मार्केट में अवेलेबल जो होता है उसको अगर इनटेक करते हैं उससे हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन डेवलप होता है ज़्यादा, और ईस्ट्रोजन मैनलीहुड के लिए ख़राब है। हमको चाहिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ना कि ईस्ट्रोजन हार्मोन। और वो किस लिए होता है? क्योंकि जो चिकन हम मार्केट में से खाते हैं या मार्केट में जो हम पोल्ट्री फार्म्स का जो हम खाते हैं उनको पहले से ही फीड किया जाता है एक तरीके से ईस्ट्रोजन, जिसकी वजह से वो जल्दी ही एक या दो हफ्ते में बड़ा सा मुर्गा बन जाए या बड़ा सा एक चिकन की तरह तैयार हो जाए जिसके जल्दी खाया जाए। तो जब हम ऐसा फूड अंदर डालेंगे जिसमें ऑलरेडी ही ईस्ट्रोजन हॉर्मोन्स की प्रेजेंस है तो वैसा ही हमारी बॉडी को मिलेगा और वैसे ही हमारी बॉडी तैयार होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, आपने कौन सी चीज़ें नहीं खानी जिसमें ईस्ट्रोजन मिलता है वही चीज़ों को आपने डिनाई करना है, और ऐसी चीज़ें जिनमें आपको टेस्टोस्टेरोन मिलते हैं वाली चीज़ों को आपने इंटेक करना है, जैसे कि केल हो गया, स्पिनच हो गया। इन सब चीज़ों को आप आराम से अपनी लाइफस्टाइल में ला सकते हैं, अपनी ईटिंग पैटर्न में ला सकते हैं। नाइन्थ टिप भी बिल्कुल वैसे ही जुड़ी हुई है जैसे मैंने आपको अभी 8th टिप बताई कि डाइट की वजह से। देखो हम बाहर मैक्सिमम अगर हम देखा जाए तो MNCs में बहुत सारे काम करते हैं हम लोग, हमारी डाइट पैटर्न ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल टू फिट या बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम सही बैठे, तो हमारा फूड इंटेक थोड़ा अजीब सा हो जाता है। अजीब कैसे? कि कभी भी चाय के साथ पकोड़े खा लिए, कभी हमने ब्रेड खा ली, कभी हमने ऑयली फूड खा लिया, पैटी खा ली, स्प्रिंग रोल्स खा लिए, जो हमारे हेल्थ को सबसे ज़्यादा नुकसान देते हैं और हमारे स्पर्म काउंट पे भी सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। अब वो क्यों करते हैं? जब हम ऑयली खाते हैं, मान लीजिए जब हम ऑयली खाते हैं तो वो डाइजेशन होने के लिए ही तकरीबन 6 से 7 घंटे ले लेता है, क्योंकि ऑयल को डाइजेस्ट करना एज़ कम्पेयर टू मुश्किल है। और जब हम ऑयल को हम खाते हैं जो हमारे बॉडी में डाली जाते हैं उसकी वजह से हमारा जो स्पर्म काउंट है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि हम एक तरीके से समझ लीजिए जंक फूड जिसे हम कहें या ऑयली फूड जिसे हम कहें वो हमारे को नुकसान देता है, हमारी पूरी बॉडी को एक तरीके से समझ लीजिए कि हमें वो एक उस मोड पे ले जाता है जहाँ पर हमारी बॉडी बिल्कुल जैसे कहते हैं कि एनर्जी लेस लगती है, खुद को ही एनर्जी लेस लगती है जब हम ऑयली फूड वैसे खा लेते हैं। तो हमने अवॉइड करना है जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और इसके साथ साथ बाहर का ऑयली फूड। अगर आपको खाना है, ऑयल इंटेक करना है तो आप कीजिए फिश का कीजिए, ऑयल जो सेल्फ का होता है आप बॉयल्ड एग खाइए, वो भी सेल्फ ऑयल्ड कंटेंट होता है और वो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसके अंदर होता है ओमेगा 12। ओमेगा 12 आपके स्पर्म काउंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। 10th टिप जो है वो है आपको
कोई डॉक्टर बताता भी नहीं होगा, तो मैं उसकी बात करूँगा कि अगर आप ओबीज के पेशेंट हो तो आपका स्पर्म काउंट शायद से कम हो सकता है। और अगर आपको कोई स्टमक की प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपकी इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेशन है, या आपको लैट्रिन चिपचिपी आती है, या फिर आपके जॉइंट्स के नीचे वाला पोर्शन जिसे हम काफ मसल्स कहते हैं, वहाँ पर अगर आपको पेन बना रहता है, थकावट जल्दी होती है, और शरीर में कुछ आपको ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जैसे कि जब आप लैट्रिन करने जाते हैं चिपचिपी पॉटी सी लगती है या आँव सी आना लैट्रिन में, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको ये एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है आपके स्पर्म काउंट की, जिसको हम कहते हैं बेसिकली कि आपकी इंटेस्टाइन जो है वो ढंग से एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही आपके खाने को। अगर खाने को ढंग से एब्सॉर्ब नहीं करेगी तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में थकावट बनी रहेगी, आपका स्पर्म काउंट कम करेगा, आपको इनफर्टिलिटी तक ले जाएगा, आपको ईडी की दिक्कत लगी रहेगी, और इसके साथ साथ आपको हेडेक बना रहेगा, पेट में कभी कभार दर्द बना रहेगा, खाने के बाद आपको अफारा सा लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको लगी रहेंगी कॉज ऑफ आपकी पेट की वजह से। और अगर आपको ऐसा लगता है अपने शरीर से, आपको ये प्रॉब्लम लग रही है कि हाँ मेरे को ये सारी दिक्कतें हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे, जो हमने नीचे अपनी हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप अपनी क्वेरी को या अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर कर सकते हैं और हमसे उसका सही उपचार समझ सकते हैं, राइट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।